इस टीम के पास जीत का चिराग है जो कभी भी हार नहीं मानते। जी हाँ, उस खिलाड़ी का नाम है किलियन एम्बापे। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट और मैं हूँ आपके साथ ध्रुव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिछले फीफा वर्ल्ड कप की विजेता टीम फ्रांस के बारे में, जिसके पास एक अनमोल रत्न के तौर पर किलियन एम्बापे है। इस टीम के फैंस को ये जानकर बेहद खुशी होने वाली है कि इस जीत के साथ फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जिसका क्रेडिट खास तौर पर अगर दिया जा सकता है तो वो किलियन एम्बापे को दिया जा सकता है, क्योंकि कल उन्होंने अपना आक्रामक खेल दिखाते हुए डेनमार्क पर प्रेशर बनाया, दो यानी डबल गोल टीम के लिए दागे और टीम को 2-1 से जिताया। कल का मैच बेहद रोमांचक रहा, तो आइए एक बार और दोहराते हैं उस मैच का रोमांच, साथ ही साथ गो थ्रू करेंगे किलियन एम्बापे का फीफा वर्ल्ड कप 2022 में अब तक का सफर। तो चलिए करते हैं शुरुआत, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए आप। फ्रांस वर्सेस डेनमार्क हाइलाइट्स। डिफेंडिंग चैंपियन टीम फ्रांस के आगे डेनमार्क का टिकना बेहद मुश्किल था, लेकिन फिर भी डेनमार्क ने अपनी परफॉर्मेंस इस मैच में सचमुच काफी अच्छी दिखाई। सेकेंड हाफ के बाद दोनों ही टीम एक समय के लिए बराबरी पर पहुंच गई थी, जिसमें स्टार प्लेयर किलियन एम्बापे ने सेकेंड हाफ में 61वें मिनट पर अपना पहला गोल फ्रांस के लिए दागा। डेनमार्क की कोशिश तो पूरी थी कि वो फ्रांस को हरा दे, वहीं इस मैच के 68वें मिनट में डेनमार्क के लिए आंद्रेस क्रिस्टेंसेन ने गोल कर दिया और मैच को बराबरी पर पहुंचा दिया। लेकिन फ्रांस के धुरंधर को हार मानने की आदत कहां है, उन्होंने भी 86वें मिनट में दोबारा अपना कमाल दिखाया और दूसरा गोल फ्रांस के लिए लगाया, जिसके बाद फ्रांस अपने दूसरे मुकाबले में भी जीत गई और प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पहले मुकाबले में भी दिखा था एम्बापे का दम। इस मैच के पहले ग्रुप डी के मुकाबले में 22 नवंबर को फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत बुरी तरह से हराया था। फ्रांस ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 4 गोल से मात दी थी, जिसमें एम्बापे ने भी इस जीत में 1 गोल की भागीदारी निभाई थी। मैच का शुरुआती गोल तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दागा गया था, लेकिन फ्रांस की टीम ने उनके पहले गोल को आखिरी बना दिया और टीम को जीतने में नाकाम साबित कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे बाकी फ्रांस और किलियन एम्बापे फैंस के साथ शेयर करें। फीफा वर्ल्ड कप अभी भी जारी है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स और स्पेशल पैकेजेस हम आपके लिए टाइमली लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।